नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके मेडिकल में आया है और स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। एक स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच किया गया कितना, 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया, ये रहा स्प्रिंग और फर्स्ट टाइम इसे स्ट्रेच किया गया एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या है, यू है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू है। अब कह रहा है सेम स्प्रिंग, सेम स्प्रिंग इसी को हमने स्ट्रेच किया कितना 10 सेंटीमीटर, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यही फाइंड करने के लिए कहा है। ओके ध्यान देना, स्प्रिंग सेम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। सपोज कर लिया लेट, लेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, लेट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आपका के है, देन यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना आपका 2, 2 2 4, यानी कि कितना होगा, हाफ के 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आया 2k। ओके 2k आया पोटेंशियल एनर्जी, कब आया, जब स्प्रिंग स्ट्रेच कितना 2 सेंटीमीटर। इफ़ क्या कहा है, इसी स्प्रिंग को हमने कितना स्ट्रेच कर दिया 10 सेंटीमीटर, अब की बार 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, न्यू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम लिखते हैं हाफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमने लेट किया है, लेट किया है स्प्रिंग कांस्टेंट किए, तो एक ही स्प्रिंग है, अलग स्प्रिंग नहीं है, सेम स्प्रिंग का एक ही स्प्रिंग है, तो इसका क्या होगा कांस्टेंट, वही रह जाएगा जो हमने यहाँ पे लेट किया, यहाँ पे भी क्या होगा के ही होगा, अलग नहीं होगा। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं के और एक्स के जगह पे 10 सेंटीमीटर, फाइनली यू एफ क्या होगा, हाफ के एक्स के जगह पे 100 का स्क्वायर। ओके अब क्या होगा, यू एफ इज इक्वल टू हाफ हाफ के और क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 10 100 फाइनली क्या होगा 50k। ओके 50k आया। अब ध्यान दो 2k इक्वल टू यू है, 2k इक्वल टू यू है, अगर हम यहाँ पे पुट करना चाहे तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, यू एफ इक्वल टू 2k इंटू 25 लिख सकते हैं, 2k इंटू 25 और 2k इक्वल टू क्या है, यू है, देन यू 25 होगा फाइनल। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे x दिया हुआ क्या CGS में दिया, हमने कन्वर्ट नहीं किया है, तो फाइनली कटना ही था, दोनों तो कट ही जाता है, इसलिए हम क्या किए, हमने सेंटीमीटर ही में रहने दिया और फाइनली मेरा जो आंसर आया यू इंटू 25। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप चेक कर लो एक बार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाक से क्या करना है, कमेंट करना है। ओके